हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं कंचन। एंड आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं ये क्रिसमस ईव मेकअप लुक जो कि इंस्पायर्ड है बाय एनवायरनमेंट ऑफ क्रिसमस लाइक पिंक व्हाइट ग्लिटरी। साथ ही साथ मैं बता देना चाहूंगी दैट इस वीडियो में मैं अपना बेस मेकअप नहीं शेयर करने वाली हूँ लाइक कंसीलर फाउंडेशन एंड ऑल स्टफ लाइक बिकॉज मैंने अपना बेस मेकअप एंड आईब्रोज को एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट एंड सेम स्टेप्स के साथ किया है जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किया। सो अगर आप जानना चाहते हैं दैट मैंने ये पिंकिश ग्लिटरी आई मेकअप लुक कैसे किया है देन प्लीज कीप वॉचिंग। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलेटिन का कलर पॉप मैट लिपस्टिक एंड यहाँ पे मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है P22 जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज शेड है एंड इसे लेके मैं अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से एंड देन साइड से जो एजेस है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो दैट कोई एजी इफेक्ट ना आए। अच्छे से अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन मैं एक लेयर और लगाऊँगी लिपस्टिक का एंड अच्छे से डार्क करके ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, फिंगर से काफ़ी है इसके लिए एंड देन मैं एक लेयर और लगाऊंगी बस, बट इसे ब्लेंड नहीं करूँगी। आफ्टर डैट मैं फेसेस कैनेडा अल्टाइन प्रो आई शेडो पैलेट लूँगी। यहाँ पे से मैं एक शिमरी लाइट शेड लूँगी एंड उससे अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर दूँगी। आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो आई शेडो का ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न। अगर आप आई शेडो पैलेट आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो एंड इंस्टेड ऑफ़ अप्लाइंग अ शिमरी शेड ऑफ आई शेडो जो मैं लगा रही हूँ, आप एक लैक्मी का जो हाईलाइटर आता है वो बहुत ही शिमरी होता है उसे अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा आई शेडो एंड लिपस्टिक मैच होना चाहिए तो आप अपने लिपस्टिक को इस तरीके से अपना आई शेडो भी बना सकते हो एंड देन मैं फिर से लूँगी लिपस्टिक एंड उसे आउटर कॉर्नर में अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी ताकि वहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट हो, पूरा का पूरा आईलिड फ्लैट ना लगे एंड मैं दोनों को इक्वल कर लूँगी। देन मैं म्यूज़िक फ्लावर का आईलाइनर लूँगी एंड एक रियल टेक्निक का डिटेलिंग ब्रश लूँगी एंड मैंने ब्राउन चूज़ किया यहाँ पे बिकॉज मुझे ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए, सॉफ्ट आई लुक चाहिए, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का आईलाइनर चूज़ किया है एंड इसे मैं नॉर्मल एक आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी अपने आईज पर। थोड़ा सा कॉर्नर में थोड़ा सा आउट करूँगी, थोड़ा सा जस्ट विंग आईलाइनर नहीं करूँगी, जस्ट थोड़ा सा कॉर्नर को थोड़ा सा फ्लिक करूँगी, डैट्स ऑल। आफ्टर डैट मैं एसेंस बिग वॉल्यूम लैश मस्करा लूँगी एंड देन बिग आई लैश कलर से कर्ल करके थिक मस्करा अप्लाई कर लूँगी मैं। सूख जाने के बाद मैं अपने आईलैशेस को फिर से स्लाइटली कर्ल करूँगी सो दैट एक फॉल्स आईलैशेस का इफेक्ट आए एंड देन मैं सेम लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी सो दैट मेरा आई शेडो एंड लिपस्टिक मैच हो जाए एंड सिंस ये लिपस्टिक सेमी मैट है मैं इसे कंप्लीट मैट बनाने के लिए पाउडर यूज़ करूँगी। मैंने टाइम बचाने के लिए इस वीडियो में अपना बेस मेकअप नहीं दिखाया है तो बेस मेकअप के लिए मैं इस वीडियो के एंड में अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा इफ़ यू वॉन्ट। दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर एडिंग अ सेंटा कैप जो कि ईजी है, सिंपल है, येट वेरेबल है एंड परफेक्ट है क्रिसमस पार्टीज़ के लिए। एंड हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बाय।